हेलो बच्चों, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। मदर्स ब्लॉक में अपना स्वागत है और आशीर्वाद है वो सबको। मेरा व्यूअर्स है, मेरा सब्सक्राइबर है, कोई बड़े लोग हो छोटे लोग, सबको मेरी तरफ से वो आशीर्वाद और प्रणाम करती हूँ। मेरा वडिल जे हो ने आज मैं बनाने जा रही हूँ बी नो भूको छो, मगफली का बी हो उसका भूको बनाना है वो। और आलू है वो उबाल के रखा है मैंने, वो उसकी खिचड़ी बनाने जा रही हूँ, फराड़ी खिचड़ी। हेलो, मैं जीरा जीरा डालने जा रही हूँ। जीरा हरी मिर्च है वो उसमें डालूंगी मैं। पहला मैं नीम के पत्ते, रेड मिर्ची, सूखी मिर्ची, रेड मिर्ची थोड़ी सी डालेंगे। बी बटेटा ने खीचड़ी अने बी बटेटा ने खराड़ी घोटने में मसाला करूंगी। नमक, हल्दी, लाल मिर्ची, टमाटर, थोड़ा सा धनिया पत्ता, पहले से डाल सकते हो, बाद में भी डाल सकते हो। पहले से मैं इसलिए कि उसका स्वाद आ जाता है उसमें, इसलिए मैं वो खराड़ी एक टाणु के अपवास के टाइम होता है ना, उसमें थोड़ी सी शक्कर डालूंगी, थोड़ी सी। लेमन तो अच्छा लगे तो डालना, नकर नहीं डालना। थोड़ी सी शक्कर, खाटा टमाटा आता है ना वो तो बहुत अच्छा, खाटा टमाटा बहुत अच्छा होता है। मैं 10 मिनट धीमी आँच पे रखूंगी, 10 मिनट में मसाला डर जाए ना, मगफली का भूका बाद में डालूंगी उसमें। तो उसमें वो भाजी बन गई है, उसमें मैं मगफली का भूका है ना वो डालती हूँ। दस मिनट रखूंगी वो,
परोठा घी बटे का खिचड़ी साथ परोठा नो लोट बांधो छो मैं। तेल का मोइन डाला है और नमक डाल लूँगी थोड़ा सा, थोड़ा सा हींग डाल लूँगी। आमा जीरा भी आखू जीरू हो ने वो भी डाल सकता है। वो माखन में बनता है, घी में बनता है, परोठा बहुत अच्छा बनता है। हमारे बच्चों से ना वो नहीं खाता, इसलिए मैं नहीं कर बनाती डालती उसमें। परोठा का लोट है ना थोड़ा सा, रोटी का आटा है ना वो सॉफ्ट थोड़ा बहुत, परोठा का लोट है ना थोड़ा कठिन बांधना पड़ता है। वो छे ना 10 मिनट में तेल लगा के रखूंगी तो वो सेट हो जाए। जेम लोट कूणो ने बहुत सरस थाय, तेल लगाई राखी पछी मैं एकदम सरस कूणी पछी बनावे परोठा रोटी बहुत अच्छा बनता है। दस मिनट में वो अच्छा बन जाएगा। वो हेलो पराठा बनाने जा रही हूँ। हमारा जीरा डालूँ तो बहुत अच्छा बनता है। वो सब जगह के सरखा होना चाहिए, सब जगह पे जाड़ा पतला नहीं होना चाहिए, सब जगह से सरखा। Thank you.
अर्धो काचो अर्धो पाको ऐसा नहीं, सब जगह पे डिजाइन एकदम एक सरखी होती है। देखो क्या है, काचा नहीं होता, सब जगह पे डिजाइन एक सरखी होती है। अर्धा पक्का अर्धा कच्चा ऐसा नहीं। माखन में और घी में तो बहुत अच्छा लगता है, हमारे बच्चों नहीं खाता वो, इसलिए मैं नहीं उसको बनाता। देखो जो ऐसा बना है, डबल बार बनाना, डबल बार दूसरी बार बनाना पड़ता है। एक बार बनाया ना मैंने, बहुत अच्छा बन परोठो। मैं तो इस तरीके से बनाती हूँ मैं। એટલું સોફ્ટ બન્યું હશે ને, એટલું સરસ બન્યું હશે ને, પડ પણ ખુલી જાય, પડ આપણે ખુલી કિસી ભી જગહ પે કચ્ચા નહીં હૈ। દેખો જો બે બાજુ અચ્છા સા હો નહીં, ખુલ જાય છે પડ। હલો બચ્ચો, મારા મધર્સ બ્લોક મેં આપણા સ્વાગત હે। મેં આજે ખાનામાં ક્યાં બનાયા હે, દેખો વો બી બટેકા કી ખીચડી, વો ફરાળી ખીચડી ભી ચલતી હે ફરાળમાં ભી, ઓર પરોઠા કે સાથ ખા સકતે હે, વો પરોઠા મેને બનાયા હે વો। ઓર આ મેં કાચા ઓરો બનાવ્યો હે, કાચો બોલો ઉસકે ઝોકા નહીં દીયા વો, કાચો ઓરો રીંગણા બાકી મેં મસાલા કરકે વો બનાયા હે, ઓર છાશ। देखो बच्चों मेरा खाना कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब करवानो ना भूलता। मैं पूरी थाली बनाती हूँ ना, इसलिए थोड़ी सी मिनट बढ़ जाती है। मैं एक दो तीन वस्तु नहीं बनाती, पूरी थाली बनाती हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम रुकाना पड़ता है अमुक अमुक जगह पर। बाय बच्चों, मारे व्यूअर्स बधाने बाय बा तरफ थी, सब्सक्राइब कर दो जरूर।